देखिए दोस्तों, हमारी शकरकंदे की पूड़िया बनके तैयार हो गई है। देखिए हमारी पूड़िया अच्छे से तल रही है, हमने थोड़ा सा आज फास्ट कर दिया है, तो अब बहुत संभाल इस आटे का। नमस्कार दोस्तों, एसपी कुकिंग एडिटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज व्रत का ही है, नवरात्रि का 7वां दिन है, तो आज मैं शकरकंदे की आपको पूड़ी बनाना सिखाऊंगी और साथ में उसकी चटनी बनाऊंगी तीखी वाली। तो चलिए हम फटाफट रेसिपी की तैयारी करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। शकरकंदी उबाल के रख ली है, उबाल लिया है। कैसे उबालते हैं? कुकर में हमने उबाल लिया था थोड़ा पानी डालकर। अब इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और चटनी बनाने के लिए देखिए मैंने हरी धनिया, करी लीफ, हरी मिर्च, अदरक, आप जितना तीखा खाते हो उतना आप मिर्च ले सकते हो, मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ इसके लिए मैंने मिर्च ज़्यादा लिया हुआ है। साथ आधा चम्मच मैंने लिया हुआ है और ये मूँगफली के दाने हैं, कच्चे हैं, तो हम इसका चटनी बनाएंगे। फटाफट डाल देते हैं, एक कड़ी पत्ता डाल देते हैं, दो हरी मिर्च है। व्रत का हम बना रहे हैं, इसके लिए हम न लहसुन डालेंगे न शिमला मिर्च कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ वही से सादा चीज़ बना के बताएंगे आपको चटनी बनती है। और ये जीरा डाल रहे हैं आधा चम्मच, ये मूंगफली है हमने दो चम्मच से भर के ली हुई है, और हम सेंधा नमक डाल, ये सेंधा नमक डाल रहे हैं आधा चम्मच है, स्वाद के अनुसार आप डालिएगा जितना खाते हो। थिक पेस्ट बनाना है हमें, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है इसके लिए, तो डालना नहीं। शिकंजी को हम छील लेते हैं, शकरकंद को अच्छे से हमने बॉईल कर लिया, ठंडा हो गया हमारा काफ़ी ज़्यादा, तो फटाफट इसको छील लेना है हमें। शकरकंदी को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं, पहले इसको हम अच्छे से बना लेना है, मैश करना है। हमने छोटी सी कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया, आप चाहे कुट्टू का आटा और किसी को राजगिरे का आटा भी आप ले सकते हैं, तो हमने ये सिंघाड़े का आटा थोड़ा जितना हमें इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा चाहिए हमारा आटा अच्छे से गूंथ, शकरकंदी से ही हमारा आटा गूंथ गया था, जितना हमने आटा लिया था सारा आटा यूज़ कर लिया, क्योंकि उसमें लग जाता है, और इतना आटा गूंथने में हमारा हो गया। हमारी पूड़ियाँ अच्छे से तल रही है, हमने थोड़ा सा आज फास्ट कर दिया है, तो अब बहुत संभाल इस आटे का जो है बनता है, बहुत संभाल के हमें पूड़ी बनानी होती है। हाथों पे तेल लगा के अच्छे से, मतलब हाथों से मैंने बनाया है बढ़िया सा हमारा। देखिए दोस्तों, हमारी शकरकंदे की पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई है। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो बताइएगा जरूर।